नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आज हम लोग अमरपुर जंगल में हैं और हम लोग यहाँ आए हैं एक सांप को रिलीज करने के लिए। एक स्पेक्टिकल कोबरा है जो पिछले दिनों हमने चित्रगुप्त नगर कॉलोनी है जो गोड्डा में, वहाँ से इसको रेस्क्यू किया है। इस डब्बे में बंद है, काफ़ी फुफकार रहा है, ये देखते हैं क्या करता है। काफ़ी आवाज़ बहुत तेज कर रहा है यहाँ पर। ये स्पेक्टिकल कोबरा है और इससे दूरी बना कर रखना चाहिए। छोटा सा जानवर लेकिन बेहद खतरनाक, देख सकते हैं। छोटा है पर किसी तरह से कम नहीं है ये भी। और हमारे पास इसके लिए एक शानदार हुक, अब इसको हम लोग निकालेंगे और यहाँ पर इसको रिलीज करेंगे। आप देख सकते हैं काफी निडर, ये कभी भी थोड़ा आगे आ जा। लंबाई काफी है, खाया पिया लग रहा है, बिल्कुल खाया पिया। ये अभी जाना मत भाई, थोड़ा गप कर लेते हैं हम लोग, फिर चलेंगे। ये स्पेक्टिकल कोबरा है, अक्सर आबादी में आ जाता है भोजन की तलाश में, क्योंकि तेजी से जो जंगल का कटाव हुआ है उसके कारण ये जंगल में रहने में असमर्थ होता है। जंगली जीव है लेकिन आवासीय इलाके में भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चूहों का घर होता है। चूहा ज़्यादातर आवासीय इलाके में है भोजन की तलाश में, इसलिए ये भी आवासीय इलाके में जाता है। और यहाँ पर तो ये मेरे हिसाब से अमरपुर जंगल जो है ये स्नैक जंक्शन बन चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर सैकड़ों सांप लाकर छोड़ा है। ये बिल्कुल एक तरह से स्नैक जंक्शन है। यहाँ पर छोटी छोटी कंदराएं हैं आसपास जो देख सकते हैं आप, यहाँ काफ़ी छोटा छोटा कंदरा है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सैकड़ों सांप छोड़ा हुआ है। यहाँ पर चूहा है, खरगोश है, यहाँ पर अजगर भी मिलेगा इनका दोस्त। इसमें बहुत खतरनाक वेनम होता है, न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है जो इंसान के मौत के लिए काफ़ी है। लेकिन जब भी किसी को काट ले तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, लेकिन हम लोग झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें। हम लोग डायरेक्ट जिला अस्पताल जाएं, वहाँ पर इसका इलाज उपलब्ध है, घबराएं नहीं। चलिए अब इसको हम लोग विदा कर देते हैं, देखते हैं बात सुनता है या नहीं। जाइए आप, अब जा सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ी देर उल्टी दिशा में जा रहा है, उल्टी दिशा जा रहा है, सीधा कीजिए मेरे साथ। ठीक है, बाहरी दिशा में आ रहा है, उधर उसको नजर नहीं आ रहा क्या? इनको लगता है यहाँ पर घर नहीं मिल पा रहा है क्या? क्या सुरेश जी? हाँ, इसको घर तलाशने में यहाँ दिक्कत हो रही है। तलाशने में अभी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, भी अभी नया है ना, खोज रहा है अपना घोंसला, कहाँ जाके हम रहें। लगता है अभी ढूंढ लेगा अपना, हर जगह पर जाने लगा।
रवि ये काफी शांत हो चुका है, अपना आवास अपना प्रवास तलाश चुका है ये। और पुनः ये मनीष जी के तरफ मूव करते हुए फिर इधर निकल रहा है। कृपया डराए ना सर, नहीं देख रहे ना, इधर मूव है। और ये पत्थर के नीचे नहीं जा रहा है, ये पत्थर के ऊपर बैठ रहा है, लगता है साक्षात भोले बाबा रहे, तपस्या के लिए आ रहे हैं हमारे पास। तो खैर चला गया अंदर, सांपों को बचाए। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सांपों को मारे नहीं, इसको बचाने का प्रयास करें जितना संभव हो सके। इसको जहाँ भी देखे इसको सुरक्षित बचाएं। जा इसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, मतलब वन विभाग की टीम है और भी अन्य लोग भी हैं जो कि इसका संरक्षण करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुरेश जी, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनीष चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। नहीं जा रहा है, कहाँ है, नहीं है सामने, हम लोग को देख रहा है।